कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस गुजरात में अयोध्या की तरह बीजेपी को हराएगा। साथ ही उन्होंने वाराणसी में कांग्रेस को हारने की भी वजह बताई। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिपरी का नाम अब मातृधाम होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाम के को बदलने को लेकर घोषणा की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मातृधाम को पर्यटन केंद्र में भी विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में खास तैयारी की जा रही है। इसके तहत वाराणसी की दक्षिण विधानसभा के स्थानीय नेताओं ने अगले 75 दिन के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके तहत कई खास कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने चीन का नाम लेकर कहा कि अगर प्रधानमंत्री चीनियों को बाहर नहीं कर पाते हैं तो वह इस्तीफा दे। उन्होंने 5 जुलाई को अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भयभीत और विदेश मंत्री जयशंकर को चूहा बताया था। अनंत अंबानी और राधिका का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। 12 जुलाई को दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। बता दें कि शादी का फंक्शन 3 जुलाई को मामेरू की रश्म के साथ शुरू हुई थी। संगीत सेरेमनी के लिए पॉप स्टार जस्टिन बीबर को महफिल सजाने के लिए आमंत्रित किया गया था। पार्टी के अंदर से जस्टिन के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग समारोह शुरू हो चुकी है। बता दें कि आने वाले 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधा मर्चेंट शादी के बंधन में बन जाएंगे। बता दें कि इससे पहले जामनगर में उनकी शादी से पहले भव्य समारोह और सितारों की सजी क्रूज पार्टी की गई थी। मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की भी संभावना है। T20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म होने के बाद अब सभी को भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली T20 सीरीज का इंतजार है। लोग पलके बिछाए इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 6 जुलाई यानी आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम पर खेला जाएगा। JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। इसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें बधाई दी, साथ ही परिवारवाद का आरोप लगाया है। बता दें कि चंपई सोरेन ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पुणे पोर्श एक्सीडेंट के मामले में नाबालिग आरोपी को 42 दिन के बाद जमानत दी गई है। बता दें कि नाबालिग आरोपी ने रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सबमिट किया था। दरअसल 18 से 19 मई की रात हादसे के बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित कुल 7 शर्तों पर जमानत दे दी थी। जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने सांसद पद की शपथ ले ली है। दोनों पैरोल पर बाहर आए और संसद भवन में शपथ ली। बता दी कि रशीद को शपथ लेने के लिए तिहाड़ जेल से 2 घंटे की पैरोल मिली है। वहीं 31 के अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल मिली थी। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में शनिवार सुबह शुरू हुई बैठक में कांग्रेस विधायक और हारे हुए उम्मीदवारों से चर्चा की जा रही है, जबकि 7 जुलाई को अलग अलग कमेटियों की बैठक होनी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर मंथन किया जाएगा। 10 जुलाई को बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून को रही और स्क्रूटनी में 24 जून को हो चुकी है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश के दामों में शमशान तक जाने का रास्ता भी अब आसान नहीं रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले के सिग्रामपुर गांव में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घुटनों तक भरे नालों का पार करना पड़ता था। गुजरात में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां पर फेक स्कूल का भांडाफोड़ हुआ है। स्कूल में दर्जनों बच्चे पढ़ते थे लेकिन स्कूल के पास कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं था। यहाँ राजकोट में कमीशन के सहारे स्कूल चलाने वाले कपल को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।